सीधासख मृत्युंजय सार बर्तन आम सहित अवेलेबल अच्छा सर चैनल को स्वागत करी किभली इंपैक्ट देखुंत कहीं जो भाई ढंग से आज तीन चार दिन पूर्व प्राक सूचना देते से आधार में बर्तन आज ही लघुचाप रूप को जा तो लघुचाप बर्तन डीप डिप्रेसन डिप्रेसन मुड को केवे सुधा आज पूर्वाह गोटे लघुचाप क्षेत्र दक्षिण थाइलैंड निकटस्थ आंडमान सगर में केन्द्रीभूत अच्छी यह क्रमशः पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर आंडमान सगर में केन्द्रीभूत हो आसंता बार घंटा मध्य दुई तारीख सुधा यह गोटे अवपात परिणत हो पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर और निकटस्थ अंचल तीन तारीख बेलू यह गोटे साइक्लोन स्टॉर्म रूप नहीं पारे केन्द्रीय बंगोपसगर में चार तारीख सका यह उत्तर पश्चिम दिगरे गति करके ओडिशा उपकूल और निकटस्थ उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल निकट में आसी पहुँचे कि उपकूल अतिक्रम करना केवल निकट पहुँचे जहाद्वारा कि प्रभाव देखा मिल तेणु से ही अनुसार तीन तारीख राति ओडिशार उपकूलवर्ती जिला मानक विशेषतः दक्षिण ओडिशार उपकूलवर्ती जिला मानक वर्षा आरंभ हो पारे सामान्य मध्यम धरण में अधिक वर्षा होवार संभावना रही हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल प्रबल अति प्रबल वर्षा केतक स्थान होगा सहित अल्प केतक स्थान में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल अत्यंत प्रबल वर्षा माने 20 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होवार संभावना अच्छी पांच तारीख बेलू उत्तर ओडिशार किसी जिला मानक जोटा कि पश्चिमबंग सहित लगी रही से सब जिला मानक वर्षा हो पारे आइसोलेटेड प्लेसेस हेवी रेनफॉल हो पारे तेणु चार तारीख हूँ सब अधिक गुरुत्वपूर्ण जितने कि अधिक पवन रोज अधिक वर्षा रन तारीख मध्यरात्रि पाखु ओडिशार उपकूलवर्ती समुद्र और ओडिशार उपकूल अंचल में 45-55 किलोमीटर प्रति घंटा पवन प्रवाहित हो पारे पवन धीरे धीरे बढ़िकी चार तारीख आफ्टरनून बेलू 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा और गोस्टनेस 90 किलोमीटर प्रति घंटा पर्यंत प्रवाहित हो पारे जमी सर आप कहते हैं चार इंपैक्ट अधिक रो तो निर्दिष्ट भाव जो जिते सर लैंडफॉल प्रोसेस स्टार्ट हो तार मूवमेंट सर कौड़ी रोज मैंने नॉर्थ ओडिशा आड़ को ना आंध्र बर्तमान जहाँ पूर्वानुमान कर अनुसार यह चार तारीख सका आसिकी ओडिशा और निकटस्थ नॉर्थ आंध्र प्रदेश उपकूल निकट में आसिक केन्द्रीभूत हो कि से उपकूल अतिक्रम करना यापर यार दिगरे परिवर्तन हो पारे उत्तर उत्तर पश्चिम दिगे जो गति कर चार तारीख सका पर्यंत तापर यह उत्तर पश्चिम दिग गति न करी उत्तर उत्तर पूर्व दिग गति कर संभावना रही जद्वारा कि ओडिशार समस्त उपकूलवर्ती जिला संभावित बात्यार प्रभावित हो पारे किंतु यह केउठी उपकूल अतिक्रम कर केते उपकूल अतिक्रम कर तहार पूर्वानुमान आम बर्तमान करना एवं उपकूल अतिक्रम करने समय के तीव्रता रही है तार पूर्वानुमान करते गोटे डिप्रेसन रूप नेब से आम जनइबू जे केउठी केउ समय केव्रतार सहित उपकूल को अतिक्रम कर डिप्रेसन पर ही सर ये चित्र स्पष्ट हो पाए करेक्ट तो सर जो सतर्क सूचना आईएमडी पक्ष जारी कराई पूर्व आपते मत्स्यजीवी मैंने जमीती कि जाऊँच दु तारीख सुधा फेर बैक करूँ आउ सर कौन सतर्क सूचना आपड़ देखते हाँ प्रथमतः आपंकर टार्गेट हूँ जे मत्स्यजीवी भाई मैंने सुरक्षित रहा दरकार जो मैंने समुद्र अच्छा से फेरी आसा दरकार दुई तारीख सुधा तीन रु पाँच यही तीन दिन समुद्र अशांत पवन वेग अधिक रोण सिपिंग कम्युनिटी मत्स्यजीवी भाई मैंने समुद्र मध्य कौन कार्य करवा उचित नुह तेणु टोटाल सस्पेनसन अफ फिशिंग अपरेसन सिपिंग एक्टिविट तीन तारीख रु पाँच तारीख जाए उत्तर बंगोपसगर और केन्द्रीय बंगोपसगर में आम कहीचु यह सहित आपणकर जो अनसोर एंड ऑफशोर एक्टिविटी रही बंदर रही सहित ऑयल इंडस्ट्रीज रही टूरिज्म स्पॉट्स रही बहुत एक्टिविटी रही से सबको रेगुलेट करवा दरकार विशेषतः तीन तारीख चार तारीख से सब एक्टिविटी को बंद कर देवा दरकार तो जो सर फसल रही खास करी जेहेतु 40-50 बेगर आप कौन पवन हम तो क्रॉप डैमेज होबार जथेष्ट संभावना रही हाँ सत कहले ये जो आम बारंबार कहचु जे ये जो वर्षा और पवन आम पूर्वानुमान करापाई आपंकर जो स्टैंडिंग क्रॉप्स रही सेगुडी को प्रभावित हो पारे जमीती आपंकर धान हूँ गोटे मेजर क्रॉप्स एरिया धान बर्तन हार्वेस्टिंग स्टेज रे तेणु आपंकर मानने कौन कि धान गचर बर्तन मानने मुंडटा हेवी एवं ये मूलटी बर्तमान हेवी नुह तेणु से अनुसार टिके पवन हेले धान शोज और वर्षा मध्य होवार अच्छी पानी से पड़ जाए धान नष्ट हो जाए या सहित जो धान गुड़े कटा होती सुरक्षित रखा दरकार धान जो मानते कटा हो पारना से भाई अवस्था अच्छी से आम पा कमी गढ़ी जीव से व्यवस्था
କରିବା ଦରକାର ଧାନ ଜମିରୁ। ତେଣୁ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପନିପରିବା ବା ହର୍ଟିକଲଚର ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଅମଳ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅମଳ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ ସେଥିରେ କେମିତି ପାଣି ଗଡ଼ିଯାଇପାରିବ ସେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସେଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି ଏବଂ କିଭଳି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ? ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ ମେଘଖଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ, 3 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରିଣତ ହେବ, ଏବଂ 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ନର୍ଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏହି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଅପୂର୍ବ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ ପୁରା ବ୍ରିଫ୍ କରୁଥିଲେ ଧାନ କ୍ଷେତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଇଲେ ଦର୍ଶକ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଯେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଇଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କ୍ରସ୍ କରିବ।